तो अभी मैं इनसे रिव्यू लेती हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लैक्मी अकेडमी। सो यस, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि मुजफ्फरपुर में लैक्मी अकेडमी है, और जिनको नहीं पता है सबसे पहले मैं एड्रेस बता देती हूँ। मिठनपुरा क्लब रोड पे जो ग्रैंड मॉल है उसके जस्ट अपोजिट जो बिल्डिंग है उसके थर्ड फ्लोर पे है लैक्मी एकेडमी, और ये 2 साल हो चुके हैं इसको खुले हुए। और मैं फिर से एक रिव्यू लेने, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ का रिव्यू लेने, और क्योंकि काफी सारे लोगों को अभी भी नहीं पता और मेरे चैनल्स में जो भी नए लोग जुड़े हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं फिर से आ गई हूँ लैक्मी एकेडमी। सो ये एक ऐसा एकेडमी, लाइक लैक्मी वेरी वेल नोन यू नो ब्रांड है, तो इसकी इसको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बट एकेडमी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज, जिसको करने के बाद एक बोल सकते हैं अमेजिंग लाइफस्टाइल, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप बड़े बड़े सैलॉन्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप खुद का सैलॉन खोल सकते हैं। एंड कोर्सेज की बात की जाए तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं अंदर जाकर डिटेल्स में बताऊंगी। और क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, और होली को लेके होली ऑफर चल रहा है जो कि बहुत ही स्पेशल है, तो अभी मैं जब आपको यू नो कोर्सेज के बारे में बताऊंगी तो सारे डिटेल्स बताऊंगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अंदर चलती हूँ, बाकी सारे डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक। मैं आ गई हूँ लैक्मी एकेडमी के अंदर में, और ये कुछ इस तरह का व्यू है। आप जो वीडियोस, जो लोग मेरे वीडियोस पहले देख चुके हैं उनको तो ये जगह बहुत अच्छे से याद होगा, बट जो पहली बार देख रहे हैं उनको बताओ, जब आप एंटर करेंगे सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड है लैक्मी एकेडमी का, तो जितने भी यू नो मेकअप्स होते हैं, मॉडल्स होती हैं, तो उनका यहाँ पे फोटो सेशन चलता है। देन यहाँ पे ये रिसेप्शन काउंटर है जहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे एडमिशन से रिलेटेड वो हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो रूम्स हैं वो यू नो आगे के एडमिशन प्रोसेस के लिए या फिर लाइक जो भी मैनेजमेंट की टीम है वो लोग बैठती है। अब मैं टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले बताती हूँ कि कोर्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे। तो लैक्मी एकेडमी के जो मेन कोर्सेज है, लाइक 2 टाइप के कोर्स है, एक जो है मेन कोर्स जो लॉन्ग टर्म है, एंड एक शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक कुछ यू नो लाइक जो ट्रेंड में होता है या कुछ नए कोर्सेज है तो वो शॉर्ट टर्म लाइक 1 से 2 मंथ का कोर्स है। तो सबसे पहले बताती हूँ कि जो मेन कोर्सेज है उसमें है मेकअप का, तो मेकअप में बेसिक से लेके एडवांस कोर्स वो भी है, हेयर से रिलेटेड कोर्सेज है, एंड हेयर डिजाइन, हेयर स्टाइल वो सब हो जाएगा। थर्ड है ब्यूटी थेरेपी स्किन, सो स्किन एंड ब्यूटी से रिलेटेड भी कोर्सेस है, ये सब हुआ अलग अलग। और एक है कि ये सारा कंबाइन, लाइक अगर आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में अपना खुद का सैलॉन खोलने का, तो ये सारे कोर्सेस आपको आने चाहिए। तो इन सारे कोर्सेस के लिए है कॉस्मेटोलॉजी, ये है एक कॉम्बिनेशन यू नो कॉम्बो कोर्स है जिसमें मेकअप, हेयर, ब्यूटी सब कुछ आ जाता है, और साथ में आपको इसमें यू नो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज भी मिलेंगे, जैसे कि मैनीक्योर, पेडीक्योर हो गया, नेल एंड नेल आर्ट हो गया, नेल केयर का हो गया, ये सारे कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री में मिल जाएंगे। तो इस तरह के जो है मेन कोर्सेज है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म कोर्स होता है, बट अगर आपने ये कोर्सेज भी कहीं और से किया हुआ है, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है हाइड्रा फेशियल, और ब्राइडल मेकअप तो होते ही हैं बट कोई ग्रूम के बारे में बात नहीं करता है, तो ब्राइड एंड ग्रूम का मेकअप भी अगर सीखना है, लाइक 1 से 2 मंथ का कोर्स होता है ये। हेयर एक्सटेंशंस हो गए, नेल एक्सटेंशंस हो गए, आई लेसेस एक्सटेंशंस हो गए, एंड बोटॉक्स, ऐसे कई सारे शॉर्ट टर्म यू नो कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं 1 से 2 मंथ में, एंड मेन कोर्सेज है। और सबसे अमेजिंग बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि होली ऑफर, तो इस होली ऑफर ये पूरे मार्च के मंथ तक चलेगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर्स है उस पर जाके आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आपको एडमिशन्स में, और ये सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं एंड लिमिटेड टाइम के लिए है, मतलब ये स्पेशली होली ऑफर है, तो ये सिर्फ मार्च तक चलेगा, उसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। फिर एडमिशन का जो फुल कोर्स का जो चार्जेस है वही देना पड़ेगा, बट अगर अभी आप करते हैं तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी मैं अंदर चलती हूँ, क्या कोर्सेज होते हैं क्लासेस दिखाती हूँ, एंड कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं और कुछ नए स्टूडेंट्स हैं उनसे भी उनका फीडबैक लेते हैं। एंड पहली बार लैक्मी एकेडमी में जब भी आई हूँ तो मैंने सिर्फ ऐसे देखा है, इस बार मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स से सर्विस भी लूंगी सो दैट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ।
आप जब भी आते हैं एडमिशन्स के लिए कुछ भी, तो काउंसलिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे काउंसलिंग अभी चल रहा है। ये है मेकअप रूम, बहुत सारे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेकअप का आजकल कितना ज्यादा ट्रेंड है, क्रेज है लोगों में, तो यहाँ पे क्लासेस हैं। मैं कई देख रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पहले के भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे मैं रिव्यू भी लूंगी एंड खुद पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैम है, मैम आप अपना नाम? Hello, my name is Sundrada. तो आप यहाँ पे स्पेशली मेकअप? Yeah, I'm a makeup trainer. मेकअप ट्रेनर है मैम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना टाइम हुआ? सेल्फ ग्रूमिंग, yeah, okay. These all are beginner and these students are old students. Okay, so इधर में कुछ old students हैं and ये सब beginners हैं. Yeah. Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you. ये जो है हेयर स्टेशन, लाइक जितने भी हेयर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ मैम है। मैम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निधि है। तो आप यहाँ पे क्या हेयर के कोर्सेज कराती हैं? हेयर के कोर्सेज होते हैं, हेयर के कोर्सेज कराए जाते आप, हैं आप कराती हैं? हेयर का डिपार्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो है अभी हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे सारे न्यू हैं या पुराने भी है कुछ? नहीं, ये सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आधा कोर्स हो चुका है, अभी ये हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अपना यू नो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हेयर डिजाइन ये स्टूडेंट्स ने रेडी किया है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ट्रीटमेंट रूम जिसमें लाइक स्किन एंड ब्यूटी से रिलेटेड वर्क होता है, ये लॉक रहता है एंड अभी एक फेशियल का कोर्स चल रहा है। सो मैम आप अपना नाम बताइए। प्रिया। प्रिया, तो आप स्किन एंड ब्यूटी के क्लासेस लेती हैं? हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, अभी ये कौन सा फेशियल चल रहा है? यहाँ पे पैराफिन ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा। ड्राई और डल स्किन के लिए, जिनका स्किन अभी जैसे सर्दियों में ड्राई हो चुका है, डल हो चुका है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे वही प्रैक्टिस चल रहा है अभी। जैसे मैंने बताया था कि कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज है लाइक मैनिक्योर पेडिक्योर, तो यहाँ पे ये भी चल रहा है। ये एक स्टूडेंट ही हैं और लाइक यू नो प्रैक्टिस भी जो है स्टूडेंट्स पे ही होती है, नहीं तो कभी कभी मॉडल्स अलग से भी आती हैं। जो भी क्लासेस ऐसे प्रैक्टिकल होती है, साथ में थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी क्लासेस भी है। मैं अंदर बात नहीं करूँगी क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएंगे सब। मैंने कोर्सेज के भी डिटेल्स बता दिए एंड सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लासरूम्स भी दिखाए, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे वो भी दिखा दिया एंड यहाँ पे अभी मेरे पास फिलहाल अभी जो है पास आउट स्टूडेंट है जिनका फेस मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो इनमें से सारे लोग उस टाइम में थे, तो अभी मैं इनसे रिव्यू लेती हूँ और फिर हम कुछ जो अभी यू नो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रखे हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि उनका कोर्स कैसे जा रहा है। बट फिलहाल अभी जो पास आउट हो चुके हैं उनसे हम बात। जैसे आप लोग भी देख चुके होंगे कई लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे इवेंट शो में भी जा रहे हैं, वो लोग मेकअप आर्टिस्ट का भी काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम बोलूंगी और आप लोग अपना अपना नाम बता दीजिए। मैं चंचल वासवानी। मैं अश्मिता। मैं श्रेया। मैं सेजानी। मैं रानी। तो सब यहाँ से आप लोग तो पास आउट हो चुके हैं, आप लोग ने मतलब पहली बार तो कोर्स कौन कौन सा किया है मैम आपने? कॉस्मोलॉजी कोर्स किया। ओके, मैंने मेकअप किया एंड स्किन, अभी मेरा हेयर चल रहा है। अच्छा, ओके, अभी हेयर कर रही हूँ। मैंने फिर से लिया एडमिशन। अच्छा, ओके, एंड मैं पास आउट कॉस्मो के स्टूडेंट हूँ जी। मैंने भी कॉस्मो का कोर्स किया है। मैंने मेकअप का कोर्स किया है। अच्छा, ओके, तो आप लोग जैसे पास आउट हैं, क्या आपको बेनिफिट मिला? आप लोग जब पास आउट हो गई हैं तो अभी फिलहाल आप लोग क्या कर रही हैं? कुछ बेनिफिट दिख रहा है आप लोगों को? बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इसके बाद, इस एकेडमी से अगर आप करते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड अभी मैं परसों इवेंट हुई थी फैशन इवेंट पटना में, जिसकी मैं विनर रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट की। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
एंड यहाँ से निकलने के बाद आप ये नहीं सोचो कि मुझे करना क्या है, ठीक है। इसलिए मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी पार्लर्स वगैरह में जा करके आप नहीं जा करके करो कोर्सेज वगैरह, ठीक है। आप एक एकेडमी में, बहुत सारे सलून्स में होता क्या है कि एकेडमी लिख देते हैं, ठीक है, और उसमें वो कोर्स करवाने लगते हैं, बट एक एकेडमी में आप आके अगर आप कोर्स कर रहे हो ना प्रॉपर, वो आपके लिए सही रहेगा। कभी भी आप पार्लर्स में जा करके एकेडमी का ये सारा कोर्स मत करो, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से आप एकेडमी में ही आकर के कोर्स करो। एंड लैक्मे एकेडमी से कोर्स करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो मैम आपका जैसे मुझे पता चला कि आप सैलून, तो आपने यहाँ से कोर्स करने के बाद खुद का यहाँ से हमने कोर्स किया है जी। उसका मतलब कि बेनिफिट भी ये है कि हमने कोर्स करने के बाद जस्ट ओपन किया है। ओके, सो गाइस आप देख सकते हैं सब लोग, आप क्या कर रही हैं अभी फिलहाल। मैं जैसे मेरा भी प्लानिंग है सैलून का चल रहा है, बट अभी मैं हेयर के चलते मैं उधर अभी पोस्टपोन की हूँ। और मैं मेकअप में अच्छा मैंने पैसा कमाया है, बढ़िया। ओके, तो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। तो मैम आप भी अभी कर रही हैं? बिल्कुल, मेकअप की, मेकअप का फ्रीलांसिंग भी करती हूँ। और मैंने कोर्स में जितना पेमेंट किया है उससे कई गुना ज्यादा निकल चुका है, कर लिया। ओके, सो आप लोग अभी क्या कर रही हैं? अभी हम भी जस्ट अभी तुरंत पास आउट होकर, ओके, तुरंत पास आउट आप हुए हैं जस्ट ही। अच्छा, तो आगे अपना सैलून खोलना है। अच्छा। और अभी जहाँ जहाँ इवेंट हो रहा है या फिर कोई भी ऐसा मौका मिल रहा है तो हम लोग, तो आप लोग फ्रीलांसिंग अभी कर रहे हैं फिलहाल। आप भी मैम? हाँ जी मैम, आप फ्रीलांसिंग करते हो? और मतलब 2-3 महीना हुआ है अकेडमी छोड़े हुए, बहुत अच्छा इनकम है। ओके, सो थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्यूचर है यहाँ से करने के बाद। ये लाइव है और मैंने किसी से धमकी दे के नहीं बुलवाया है, ये लोग अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पे अभी मैं कुछ फेसेस जो दिखा रही हूँ, ये है अभी जो रिसेंट में अभी जो क्लासेस कर रहे हैं, वैसे तो काफी सारे हैं बट कुछ स्टूडेंट्स को मैं बुला देके कुछ आ ही रहे हैं, तो इसमें से अलग अलग कोर्सेस कर रहे हैं। आप लोग फटाफट आप लोग कौन कौन से कोर्सेस कर रहे हैं वो बता दीजिए, ठीक है। आप एडवांस कोर्स कर रही हैं? कौन सा? एडवांस कॉस्मो। ओके, आप? एडवांस कॉस्मो, एडवांस कॉस्मो, एडवांस कॉस्मो। ओके, सब एडवांस है। एडवांस मेकअप, एडवांस हेयर एंड मेकअप। ओके, सो अभी तक लाइक कितना टाइम हुआ ऑलमोस्ट आप लोग को कोर्स स्टार्ट किए? 4 मंथ्स हो गया। 4 मंथ्स हो गए, तो कैसा है मतलब अभी आप लोग जो सीख रहे हैं, तो कुछ बेनिफिट आप लोग को लग रहा है, कुछ खुद में चेंजेस आप लोग को दिखा है? जो आप आए थे या अभी में? और क्लासेस करके ऐसा लग रहा है आपको कि आगे जाके आपका फ्यूचर है इसमें? अच्छा, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। आगे क्या प्लान्स हैं? सबके अलग अलग प्लान्स होंगे, बट अगर कोई हमें शेयर करना चाहे, आप फ्रीलांसिंग प्लस फ्यूचर। ओके, सो फ्रीलांसिंग में एक्चुअली पैसा बहुत ज्यादा है, इसलिए भी मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो। एंड ऑल द बेस्ट आप सबको, एंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर हुआ तो मैं फिर से आप लोग के फीडबैक लेने आऊंगी। सो गाइज, मैंने सारे डिटेल्स दिए एंड जो स्टूडेंट्स थे उनसे हमने रिव्यू भी लिया, उनका फीडबैक भी लिया, जो पुराने स्टूडेंट्स थे जो अभी यहाँ पे हैं उनसे भी लिया। एंड जैसे मैंने बताया था, क्योंकि इस बार मैं यहाँ पे एक्चुअली, ये है तो एकेडमी बट मुझे खुद भी पर्सनली जानना है कि बच्चे यहाँ पे कैसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो अभी मेरा हेयर स्पा करेंगे, क्योंकि यूजुअली मैं अपने बालों पे सिर्फ हेयर स्पा ही कराती हूँ। तो जैसे इन्होंने मेरे हेयर को एक्चुअली देखा है ना, तो इन्होंने बताया कि डैंड्रफ नहीं है, तो अभी कौन सा हेयर हेयर फॉल है, तो हेयर फॉल से रिलेटेड जो स्पा होता है, हेयर फॉल स्पा जो होता है वो। एंड एक्चुअली ये बात मुझे पहली बार कहीं पूछी गई है, जब भी मैं जाती हूँ तो नॉर्मल स्पा करती हैं, बट ये मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, इन्होंने पूछा कि मैम कौन सा हेयर स्पा चाहिए। तो ये मैंने खुद पूछा कि अच्छा ये होता क्या, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हेयर स्पा के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अभी हमारा सबसे पहले शैम्पू होगा। गाइस, मैंने हेयर स्पा तो बहुत जगह पे कराया है, बट ये एक्चुअली एक मशीन यूज हो रहा है जिसको क्या बोलते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी, जो कि अभी मेरे हेयर पे हो रहा है और ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। मैंने इतनी जगह पे हेयर स्पा कराया है बट ये वाला जो है पहली बार मैं यू नो मेरे ऊपर
हो रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा यू नो क्यूरियस थी इसको जानने के लिए। और इसके साथ और भी अटैचमेंट्स है, लाइक ये तो हेयर के लिए है, उसके साथ स्किन के लिए भी होता है, फेशियल के लिए भी होता है। सो गाइस, वैसे तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट से बस यू नो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना चाह रही थी कि कैसा मतलब कैसा इन्होंने सीखा है, बट लाइक मैं अपना पर्सनल लाइक मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो बिल्कुल मुझे वो एक ऐसा फील नहीं हुआ एक सेकेंड के लिए भी कि कोई स्टूडेंट मेरा हेयर स्पा कर रही है। एकदम प्रोफेशनल, जैसे कि सैलॉन्स में जाते हैं वैसा, एंड स्पेशली मसाज बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह मसाज किया गया, बहुत रिलैक्सिंग था। एंड अगर मैं आप लाइक काश आप टच कर पाते मेरे बालों को, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं एंड डिफरेंस जो है वो क्लियर दिख रहा है। तो एक प्रोफेशनल की तरह जो स्टूडेंट्स भी हैं वो जो काम दे रहे हैं वो एकदम प्रोफेशनल्स की तरह दे रहे हैं। तो मेरा यू नो एक्सपीरियंस तो मैं बताऊंगी स्टूडेंट के साथ यहाँ के बहुत अच्छा रहा। दैट मीन्स क्या है, इससे क्या पता चलता है कि जो क्लासेस यहाँ पे हो रहे हैं वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जा रहा है। सो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस तो दोबारा से मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड स्टूडेंट्स का फीडबैक भी मिला और मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी यू नो अलग अलग मतलब यहाँ से जाने के बाद पास आउट होने के बाद उन्होंने उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है एंड जो नए स्टूडेंट्स भी हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जा रहा है। मैंने होली वाला ऑफर भी आप लोगों को दे दिया जो 50% का डिस्काउंट है, तो वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ इस मार्च लाइक इस मंथ के एंड तक रहेगा। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर डाल रही हूँ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो उस पर आप कॉल करके अपना एडमिशन्स ले सकते हैं एंड ये बहुत अच्छा ऑफर है। एंड अगर आप यू नो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, एक यू नो डिफरेंट लाइफ जीना चाह रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है मेकअप ब्यूटी या फिर हेयर किसी में भी, तो आप एडमिशन्स ले सकते हैं। एंड लैक्मे अकेडमी एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है, नाम है, तो अगर कहीं भी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेरा ये यू नो मेरा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ से ट्राई कीजिए, एक बार जरूर आइए यहाँ पे, आप डिस्कस कीजिए सारे चीज़ों के बारे में जानिए एंड तब जाके आप एडमिशन्स भी लीजिए। तो या अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक और शेयर कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय।